बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ माश की दाल। माश की दाल दी है मैंने एक पाव और इसे मैं बॉईल कर लूँगी। आधा घंटा मैंने इसे भिगो लिया था। इसके बाद मैं आपको मसाले भून के दिखाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये वाली दाल। आप लोग ज़रूर इसे बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है और जल्दी से ये बन जाती है। घी यहाँ पर मैंने गर्म कर लिया था। यहाँ पर एक पाव से कम मैंने घी लिया है यहाँ पर। और प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज लिए दो धनिया है साइज की, मसाला बना के आपको दिखा रहे हैं। और इसमें अदरक लहसुन डालेंगे हम। जी यहाँ पर दाल बॉईल हो रही है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंगी, काली मिर्ची, एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा एक चुटकी। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो चुकी है। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन डालूंगी, टमाटर डालूंगी। टमाटर यहाँ पर है एक पाव। उसके बाद फिर हम मसाले ले लेंगे, एक साथ भून लेंगे। कुटी लाल मिर्च है एक चम्मच, हल्दी पाउडर है थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर लूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। नमक जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा हमने दाल बॉईल करने में भी डाला हुआ है नमक, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डालेंगे। बहुत ही जबरदस्त कलर आया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूंगी, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इसे दोबारा से भून लूंगी। और अब हम दाल को देखते हैं। दाल को हमें हाफ परसेंट डालना है और हाफ परसेंट हमें दम में लगा देना है मसाले के साथ। मैंने इसे लीड लगा के रख दिया है और मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है। और फटाफट से मसाला हम भूनेंगे। तकरीबन मसाला भूनने पे ये आलू टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। फिर ये हम दाल उसे डालेंगे और कुछ मसाले हम गार्निश करेंगे। 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर कर रखा था और टमाटर सॉफ्ट हो गए थे और बहुत ही यम्मी यहाँ पर खुशबू आ रही है। इसे मिनिमम 5 से 10 मिनट लगेंगे इसे, और हम फटाफट से इसे भून लेंगे। और मसाला में ऑयल आ चुका है। माश की दाल मसाले वाली यहाँ पर हम बना रहे हैं। इसे रायते के साथ खाएं, बहुत यम्मी लुक देती है। जीरे के साथ, दही के अंदर पिसी हुई मिर्ची, नमक, हरी मिर्ची छोटी छोटी सी काट के डालें, और काली मिर्ची, रायता बनाएं दही का और उसे जीरे के साथ भंगार लगाएं। बहुत ही मज़े का वो रायता बनता है। और उसके साथ इसे यहाँ पर खाएं। माश की दाल मसाले वाली और दही बड़ों का यहाँ पर जोड़ है। और अभी यहाँ पर इस वक्त लाइट नहीं है, वरना मैं दही भंगारते में, रायता भंगारते में उसने पकौड़े बना के डाल दिया। आज ब्रेक डाउन है यहाँ पर, पूरे कराची में लाइट नहीं है। कल से बहुत तंग किया हुआ है लाइट ने। मैं यहाँ पर ये रेसिपी जो बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को, वो मोबाइल की टॉर्च लाइट में यहाँ पर रेसिपी रेडी हो रही है। और अभी हमें जल्दी से आटा गूंद के रोटी भी बनानी है और मोबाइल में है चार्जिंग कम। जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं हमें,
और आप लोगों के साथ हम रेसिपी भी शेयर करते जा रहे हैं। आप लोग लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिएगा और अपने अदर ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। यहाँ पर मैं दाल के साथ ही हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर दूंगी और इसे अब मसाले में डालते हैं। मसाला यहाँ पर भून चुका है। ये देखेंगे यहाँ पर हमने बॉईल हुई भी दाल ऐड कर ली है और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए मसाले के साथ कुक होने देंगे। दम में लग जाएगी और फिर ये रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान रेसिपी है। यानी खुशबू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर ऑयल भी आ जाएगा। 10 से 15 मिनट में इसे ग्रीड लगा के रखते हैं। यहाँ मैंने ग्रीड लगा के रख दिया है इसे 10 मिनट के लिए और इसे मैंने बिल्कुल स्लो आंच पर रख दिया है। जी व्यूअर्स, ये देखिएगा यहाँ पर ये दाल का फाइनल लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त ये दाल बनी है। हरा धनिया हरी मिर्च से हम गार्निश कर चुके हैं यहाँ पर और मसाले वाली बहुत ही ज़बरदस्त है। इजी रेसिपी है और 30 मिनट्स में ये रेसिपी मैंने रेडी कर ली है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर और मुझे कॉमेंट सेक्शन बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है कि ये दाल कैसी बनी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।